हमारी सरकार को उन्हें भारत रत्न देने का सौभाग्य मिला है। मैं चौधरी साहब को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, नमन करता हूं। साथियों, मेरठ की इस धरती के साथ ही मेरा कुछ अलग ही रिश्ता है। आपको याद होगा 2014 में और 2019 में मैंने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत यहीं मेरठ से की थी। अब 2024 के चुनाव की पहली रैली मेरठ में ही हो रही है। साथियों, 2024 का ये चुनाव सिर्फ एक सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। कौन सांसद बने, कौन न बने, इसका चुनाव नहीं है। 2024 का चुनाव विकसित भारत बनाने के लिए है। दो का जनादेश भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाएगा। मैं आपको याद कराना चाहता हूं, जब भारत दुनिया में 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था था तो भारत में चारों तरफ गरीबी थी। जब भारत 5वें नंबर पर पहुंचा तो 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकलने में सफल हुए। और मैं आपको गारंटी देता हूं, जब भारत दुनिया में नंबर 3 पर पहुंचेगा तो देश में गरीबी तो दूर होगी ही, लेकिन साथ साथ एक सामर्थ्यवान, सशक्त मध्यम वर्ग देश को नई ऊर्जा देता होगा। आज पूरा देश कह रहा है, तीसरी बार 4 जून। साथियों, मैंने लाल किले से कहा था, यही समय है, सही समय है। भारत का समय आ गया है, भारत चल पड़ा है। आज भारत में तेजी से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। आज भारत इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर अभूतपूर्व निवेश कर रहा है। आज हर सेक्टर में नौजवानों के लिए अनगिनत
नए अवसर बन रहे हैं। आज देश की नारी शक्ति नए संकल्पों के साथ आगे आ रही है। आज भारत की साख दुनिया भर में, भारत की साख नई ऊंचाई पर है। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया भारत को भरोसे से देख रही है।